नमस्कार दोस्तों, ये समांतर श्रेणी है, 10वीं का भाग दूसरा है। पहला भाग को देख लीजिएगा, स्क्रीन में दिखाई देगा। दोस्तों, ये अनुक्रम fn बराबर 3n प्लस 1, n का सदस्य n का कौन सा पद 121 है, इसको हल करेंगे। यहाँ पूछ रहा है कौन सा पद 121 है, बहुत ही इजी है। अनुक्रम अनुक्रम को देख लीजिएगा, बुक में पढ़ लीजिएगा। अनुक्रम 1, 3, 5, 7 डैश 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 इस तरह से रहता है, निश्चित क्रम में और नियम के अनुसार रहता है, इसे पद भी कहते हैं। सूत्र होता है, इसको देख लीजिएगा, Tn बराबर Fn बराबर L बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। दोस्तों ये है, दोस्तों इस तरह से एफ एन बराबर दिया है, दिया है, लिख लीजिए, दिया है एफ एन इक्वल टू 3n प्लस 1, बहुत ही आसानी से बनता है, इसको दिया गया है। अब n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर यह श्रेणी निकल आएगा। दोस्तों n बराबर 1, 2, 3 रखने पर, तो हम यहां t1 निकालते हैं। t1 बराबर 3 × 1 कर दीजिए, n के जगह में 1 रख लीजिए और प्लस 1 है, तो बराबर 3 × 3, 3 × 1 = 4 होगा। दोस्तों इसी तरह T2 बराबर 3 × 2 = 1, 3 × 2 = 1 = 3 × 2 = 6, 1 = 7, ये है दोस्तों। और T3 बराबर 3 × 3 = 1 = 3 × 9 और 1 = 10, ये श्रेणी है दोस्तों। अब ये श्रेणी 4, 7 और 10 निकल आया दोस्तों, ये डैश 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 इस तरह से। तो यहां पर ए बराबर 4 है और डी बराबर हो जाता है T2 - T1, तो बराबर हो जाएगा T2 = 7, 7 - 4 = 3 आया है दोस्तों, D = 3। अब सूत्र में मान रख दीजिए, इजी तरीका से आसानी से हल होगा। Tn बराबर a धन n माइनस वन डी में मान रख दीजिए। तो यहां पर Tn बराबर दिया है 121, कौन सा पद 121 है। Tn बराबर 121 बराबर a का मान 4 निकला है, धन n का मान निकालना है दोस्तों, n माइनस वन डी का 3, ये 3 निकला है d का मान। अब इसको 121 बराबर ये 4, अब ये 3n होगा, n के साथ गुणा होगा 3, तो 3n और माइनस 3 × 3 3 हुआ दोस्तों, ये 3 और 1 गुणा हुआ 3 हुआ। अब 121 बराबर 1 हो जाएगा, 4 और 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, धन 3n, बहुत ही इजी तरीका से हल होता है। अब यहां 121 बराबर 1 + 3n है, ये 3n को इधर कर देंगे, 3n = 121 ऋण 1 हो जाएगा, 121 इधर आएगा तो 1 के साथ घट जाएगा, तो 121 ऋण 1,
अब n बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 120 बटे 3। दोस्तों ये 3 जो है नीचे आ गया, ये 40 दिया 120 होता है, इसलिए n बराबर 40वां पद, 40वां पद 121 है, n बराबर 40वां पद 121 है। इस तरह से इजी तरीका से हल होता है दोस्तों, 40वां पद 121 है, ये देख लीजिए। और अगला सवाल देखते हैं, ये अगला सवाल है दोस्तों, अनुक्रम 8 4 0 10 10 का अंतिम पद ऋण 24 है, इनमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अनुक्रम को तो जानते हैं, और यहां पर अनुक्रम 8 4 0, तो हल ए बराबर 8 है दोस्तों। यहां पर डी का मान निकालेंगे, डी बराबर T2 माइनस T1, तो ये 4 माइनस 8 होगा दोस्तों, बराबर -4 होगा, यानी कि T2 बराबर 4 है और A बराबर 8, T1 बराबर 8 है, तो -4, D का मान -4 निकल आया। और अंतिम पद -24 है, L बराबर दिया है -24 दिया है दोस्तों, L बराबर -24 दिया है L का मान। और सूत्र होता है L, L बराबर A धन N माइनस वन D, तो -24 बराबर -24, एल के जगह में 24 लिख लीजिए और ए के जगह में 8, -24 बराबर 8 धन एन माइनस वन इंटू ऋण 4 है दोस्तों। -24, 8, ए माइनस और प्लस गुणा हुआ ऋण होता है, और 4 का एन से गुणा हुआ 4 एन, 4 एन प्लस 4, माइनस माइनस गुणा हुआ प्लस हुआ, और 4 एकम 4, इस तरह से दोस्तों। आप देख लीजिए -24 बराबर 4 बार जुड़ गया, 12 हो गया, और ये 4 एन, -4 एन। अब 4 एन, एन का मान निकालना है, इसलिए 4 एन बराबर 4 एन बराबर 12 धन 24 होगा, 24 इधर आया प्लस हो गया, 12 धन 24, तो 4n बराबर 36, 12 और 24 जोड़ दिए 36 होगा। n का मान निकालेंगे, n बराबर 36 बटे 4 की 9 चौको 36, n बराबर 9 उत्तर आया दोस्तों। इस तरह इनमें पदों की संख्या कितना है, 9 है दोस्तों, ये पदों की संख्या कितना, इन 9 पूछा गया था, यही है आंसर दोस्तों। इस तरह से इजी तरीका से हल होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।